हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे PT 365, जो कि हमारी इकोनॉमी की चल रही है। तो ये पार्ट 7 है आपकी। आई होप कि आप लोग पिछले जितने भी पार्ट्स आए हैं सारे को आपने देख लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फिनेंशियल सिस्टम्स एंड फिनेंशियल मार्केट। इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपका UPSC में एक या दो क्वेश्चन बनने की चांसेस पूरी रहती है। तो फर्स्ट एक रिपोर्ट है, इसके बारे में देखते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020 रिसेंटली ये RBI के द्वारा रिलीज़ की गई है, वो भी जुलाई 2020 में। तो जो भी RBI के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी कल हमने देखा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी इंडेक्स थी और रिपोर्ट थी, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग समझें तो ये आपका जो है बाई एनुअल रिपोर्ट है, जो कि रिस्क बताता है, यानी कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी में कितना रिस्क है उस चीज़ को बताता है, और कितना फिनेंशियल सिस्टम हमारा रेजिलियंस है। इट मींस कि जैसा भी हमारा फिनेंशियल सिस्टम है, जितना भी सरकार को रेवेन्यू आता है, या फिर वो एक्सपेंडिचर करते हैं, या फिर हर एक लोगों की किस तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक पूरा बताया जाता है। जैसे कि COVID-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट भी देखने को मिला डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स में, तो वो भी आगे देखेंगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है हमारे यहाँ, जो कि ऑनरेबल इसके चेयरपर्सन कौन है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी भी है, जिसमें कि RBI के गवर्नर यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं। सो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाना। फिर टेक्निकल ग्रुप ऑन फिनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनेंशियल लिटरेसी है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो डिप्टी गवर्नर जो RBI के होते हैं। अब यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स देख लेते हैं। जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है, यानी कि जो NPA है, ऐसा एसेट बैंकों का जो कि अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसे हम लोग बैड लोन भी कहते हैं, ऐसा लोन जो कि वापस से नहीं आया है RBI बैंकों के पास, सारे स्कीड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं वो अपने ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो को यहाँ पे आप देखो कि इसका बढ़ा है, वो भी कब से, तो 2020 में 8.5% था, वहीं मार्च 2020 में देखें तो 12% हो चुका है। इट मीन्स कि जो NPA है वो बढ़ता जा रहा है। NBFC की अगर बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो यहाँ पे जो मार्केट का शेयर है, शेयर ऑफ जो मार्केट फंडिंग है NBFC का, वो भी एक कंसर्न हो चुका है, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। NBFC में लिक्विडिटी रिस्क निकल कर आ रहा है, साथ ही साथ रिस्क देखने को मिल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिला, जिसमें कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। इकोनॉमिक लॉसेस देखने को मिल रहा है सिर्फ पैंडेमिक के कारण, तो पैंडेमिक का यहाँ पर इफेक्ट मेनली बताया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मेनली इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर सकते, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन। इट मींस कि 5 साल का यहाँ पे स्ट्रैटेजी लाया जा रहा है कि कैसे फिनेंशियल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। अब ये भी अगेन RBI के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है इस तरीके के नेशनल स्ट्रैटेजी को, तो ये 2020 से लेकर 25 तक चलेगा। अब ये है क्या, पहली बार इसको जो रिलीज़ किया गया था इस तरीके के नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन, वो 2013 में किया गया था, जो कि यहाँ पे 5 साल के लिए था। 2018 में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर हम लोग इसमें देखें तो क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे इतने पॉपुलेशंस हैं, तो उनके अंदर किस तरीके से नॉलेज को डेवलप करना, स्किल को डेवलप करना, उनके बिहेवियर को सही करना, और जो भी ज़रूरत है उनके मनी को बेटर तरीके से यहाँ पे मैनेज करना, और कैसे वो अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते, इन सारी चीज़ों के लिए उनको एजुकेशन दी जाती है। अगर नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे मल्टी स्टेक होल्डर्स लीड अप्रोच यहाँ पे रिकमेंड किया गया कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टेक होल्डर्स होनी चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे इनको फिनेंशियली अवेयर कर सकते हैं और हमारी इंडिया इससे एम्पावर हो सकती है। फिनेंशियल एजुकेशन अगर हम लोग देखें, तो इस तरीके के स्ट्रैटेजी को एक नेशनल सेंटर फॉर फिनेंशियल एजुकेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर है उनसे यहाँ पे कंसल्ट करके, जैसे RBI हो गया, SEBI हो गया, IRDAI हो गया, या PFRDA हो गया, तो ये सारे ऐसे बॉडी हैं जो कि फिनेंशियल सेक्टर में, तो इनसे कंसल्ट करके यहाँ पे एक अच्छा खासा फिनेंशियल एजुकेशन का स्ट्रैटेजी बनाया गया है। साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर फिनेंशियल एजुकेशन की अगर बात करें, तो ये आपका कंपनीज़ के तहत यहाँ पे आप देखो कि सेक्शन 8 के अंदर आता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, जो कि RBI, SEBI और IRDAI और साथ ही साथ यहाँ पर PFRDA ये सारे प्रमोट करते हैं। टेक्निकल ग्रुप ऑन फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल लिटरेसी की बात करें, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होते कि वो टाइम टू टाइम यहाँ पे इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो फिनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनेंशियल लिटरेसी, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। इट मींस कि बैंक अकाउंट होगा तो फिर आपका उसको मोबाइल के साथ लिंक किया जाएगा, साथ ही साथ आपका आधार के साथ लिंक किया जाएगा, तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं।
सेकंड है कि फिनेंशियल लिटरेसी, आप इतने प्रोसेस को करने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी होगी तभी आप लोग जो है इस तरीके का डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। बैंक अकाउंट आपका ओपन करा दिया जाए लेकिन आपको पेटीएम, भीम ये सारी चीज़ें यूज़ करना ना आए, स्मार्टफोन इवन ऑपरेट करना ना आए, तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपके पास अकाउंट को ओपन कराकर, आप बार बार बैंक ही दौड़ोगे। ठीक है, तो इसलिए बैंक को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में ही बैंक आ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को फिनेंशियल लिटरेसी होना ज़रूरी है। इट मींस कि ऐसी लिटरेट, ऐसा अवेयरनेस हो कि जिससे कि लोग जो है ना स्मार्टफोन को ऑपरेट कर सके, साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रहा है, जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, वो लोगों को समझ में आ सके कि वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी यहाँ पर एक प्रावधान रखा गया। अगर हम लोग अपने कंट्री में स्टेटस देखें कि फिनेंशियल लिटरेसी का हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑल इंडिया फिनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनेंशियल लिटरेसी सर्वे लाया गया था 2019 में, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया में फिनेंशियल लिटरेसी की क्या स्टेटस है। की फाइंडिंग में बताया गया कि 27% जो रिस्पॉन्डेंट है वो अभी मिनिमम टारगेट या फिर मिनिमम थ्रेशहोल्ड को अचीव किए हैं, और साथ ही साथ अगर ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ जोन में देखें तो उसमें ज़्यादा अटेंशन देना होगा। ईस्ट या सेंट्रल और नॉर्थ जोन समझ रहे हो आप, जैसे कि हमारे इंडिया का नॉर्थ हो गया जिसमें कि आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा ये सारे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही दिल्ली वगैरह। और फिर आप नॉर्थ में, यहाँ ईस्ट में आओ तो आपको बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी ये सब देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपका नॉर्थ ईस्ट में भी आप जा सकते हो तो वहाँ पे भी, सेंट्रल में आपका जो है मध्य प्रदेश ये वाला, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे यहाँ फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके। और रूरल इंडिया ग्रुप्स जिसमें कि कम एजुकेशन है, ऐसे ग्रुप्स जो कि 50 एज के हैं और इससे भी अवव है, तो उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि आपके पेरेंट्स को अगर वो लोग पहले से ही स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है स्मार्टफोन में सारे फीचर्स को समझने में, लेकिन हम जैसे यूथ को प्रॉब्लम नहीं आती, इवन आजकल के 5 ईयर्स के बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्मार्टफोन्स में वो नहीं समझ पाते कैसे ऑपरेट करना है, और जिनको कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो भी इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं स्मार्टफोन की, तो उन सारे लोगों पे स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है जिससे हमारे यहाँ जो फिनेंशियल लिटरेसी है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। ठीक है, अब आते हैं पेमेंट सिस्टम में कि हमारे यहाँ पेमेंट सिस्टम कैसा है। तो RBI के द्वारा एक अनवील किया गया है अम्ब्रेला एंटिटी कि कैसे हमारे यहाँ जो पेमेंट सिस्टम है, जैसे आप कहीं भी पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो या ऑफलाइन पेमेंट करते हो, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अम्ब्रेला एंटिटी है जिसके अंदर आपका न्यू पेमेंट सिस्टम को मैनेज किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा, वो भी रिटेल स्पेस में। और इसमें आप देखो कि ये बस ATM तक ही लिमिटेड नहीं है, वाइट लेवल POS तक लिमिटेड नहीं है, आधार बेस्ड पेमेंट, रेमिटेंस सर्विस और सारे कुछ यहाँ पे आपका, जहाँ से भी पेमेंट सर्विस अवेलेबल है वो सारी मोड यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया है। लास्ट ईयर क्या है कि RBI के द्वारा एक अच्छा खासा प्रपोज किया गया था कि ऑल्टरनेटिव अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए रिटेल पेमेंट का, जिससे कि जो मोनोपोली है वो यहाँ पे रुक सके और जो रिस्क इससे अराइज होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो सके। तो मेन बात की जा रही है कि मोनोपोली हो जाता है, कोई एक कंपनी जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से वर्चस्व हासिल कर लेते हैं और सिर्फ उन्हीं का हम लोग यूज़ करते हैं। एक समय आप देख रहे थे कि जब डिजिटल पेमेंट की बात आ रही थी तो सिर्फ सारे लोग पेटीएम यूज़ कर रहे थे, जब हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय पेटीएम इस तरीके से इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था कि हर कोई, चाहे आप बड़े से बड़े मॉल में जाओ या फिर छोटे से छोटे आप कुछ फ्रूट शॉप में भी जा सकते हो, तो वहाँ पे भी पेटीएम ही अलाउ किया गया था। लेकिन ऐसा मोनोपोली क्रिएट हो रहा था इसलिए और भी जितने कंपनीज़ हैं उनको भी अलाउ किया जाता है कि आप भी आए, जिससे कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मार्केट में रहता है। तो वो वाली बातें कही जा रही है। हमारे यहाँ एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया जो कि कंट्रोल करते हैं 60% रिटेल पेमेंट, जो कि एक, ये आप देख सकते हो, टू बिग टू फेल कहने का मतलब है कि जितना बड़ा है अगर वो फेल हुआ तो उतना ही नुकसान होगा। ठीक है, तो 60% रिटेल पेमेंट जो है ये NPCI के द्वारा ही यहाँ पे मैनेज किया जाता है। साथ ही आज के डेट में आप देखो तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये सोल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे तरीके से जितना भी आप पेमेंट करते हो और सेटलमेंट सिस्टम है हमारे इंडिया का, वो सब कुछ इनके द्वारा ही इसको सेटल किया जाता है और ये मैनेज भी करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिससे कि 2-3 साल से लगातार UPSC इस पर क्वेश्चन पूछ रही है, आगे भी पूछने की चांसेस है क्योंकि अभी भी इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है।
कुछ बेसिक बातें हम लोग यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये एक इनिशिएटिव है किसके द्वारा लाया गया है, लॉन्च किया गया, तो RBI और साथ ही साथ IBA है, इट मीन्स कि इंडियन बैंक एसोसिएशन है, जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर से आपका छोटा छोटा जो है यहाँ पर आपका सब स्कीम्स चलता है, तो इसलिए इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। जो कि हमारे इंडिया में जितनी भी पेमेंट होती है, सेटलमेंट सिस्टम है, वो सब ये इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है। NPCI का आप देखोगे तो 10 कोर प्रमोटर बैंक है, यानी कि इनको कौन कौन प्रमोट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक और ICICI बैंक, तो ये कुछ 10 प्रमोटर बैंक है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप फंक्शन देखो तो एक कानून हमारे यहाँ 2007 में आया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, इसी के तहत ये काम करते हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ एक अच्छा खासा पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात की गई थी। ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे यहाँ सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के तहत इनको रजिस्टर किया गया था। अब तो यहाँ पे सेक्शन 8 हो गया है, जो नया वाला कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट होकर आया 2013 के, तो उसके सेक्शन 8 के तहत इसको नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। इसका एम है कि एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को, और दोनों तरीके से, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो। इट मीन्स कि आप दुकान में जाकर आप पेमेंट करते हो POS मशीन के द्वारा, या फिर आप घर बैठे जो है इस तरीके से नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके UPI के थ्रू, या फिर और भी अपने कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जब भी पेमेंट करते हो, तो सारे जितने भी पेमेंट होते हैं ना, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज के डेट में अवेलेबल है हमारे कंट्री में, उसके लिए यहाँ पर इसका एम है कि एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। साथ ही ये बहुत सारे प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, रुपए है, और ये सारे इतने भी सिस्टम है, इतने सारे प्रोडक्ट है जो कि NPCI के द्वारा यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है। अब यहीं पे हम लोग कुछ की गाइडलाइंस देख लेते हैं कि क्या बातें बताई जा रही है। ये जो हमारे यहाँ इंटिटीज़ है, जो भी कंपनीज है, चाहे लोग हो गए, फर्म हो गए, ये ऑथराइज़ किए जाते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, और कंपनी जैसा भी इनको बताया जाता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड हुए तो। जितने भी इंटिटीज़ एलिजिबल हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं खुद भी, और कंट्रोल किया जा सकता है कोई भी रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स के द्वारा जो इंडिया में रह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है क्लियर करने के लिए, और जो भी सेटलमेंट सिस्टम है, जितने भी बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट करे या फिर नॉन बैंक है, या फिर जो भी रिस्क यहाँ पे अराइज होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, तो बहुत बड़े लेवल पर इनके द्वारा काम किया जाता है। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या किया जा रहा है पेमेंट सिस्टम को लेकर, तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे NPCI के द्वारा पाई लॉन्च किया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं जितनी स्टार मार्क लगा लूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाई क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोट है। अब चैट बोट मैं अगर सिंपली बताऊँ तो IRCTC की जो वेबसाइट है उसमें तो सभी लोग रीच करते हैं, तो वहाँ पे आस्क दिशा है। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में आपको यहाँ पे आस्क दिशा देखने को मिलेगी, जो कि एक लेडी बैठी रहती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उससे आप चैट कर सकते हो। अगर आपको किसी कोई भी इंक्वायरी हो कि ट्रेन कौन सी कब कहाँ से कैसे जा रही है, तो इनसे आप पूछोगे ना तो ये आपको इंस्टेंट रिप्लाई देगी। ठीक है, तो ये चैट, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर चैट करते हो, तो उस तरीके का ये चैट बोट कहलाता है। ये क्यों है, क्योंकि एक अवेयरनेस क्रिएट करना है NPCI की प्रोडक्ट को लेकर। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट है, तो आज के डेट में आप देखो फास्टैग है, फास्टैग जो है वो मैंडेटरी हो गया है अगर आप लोग के पास व्हीकल है। रुपे कार्ड है, तो फास्टैग तो है हर एक तरीके का, कमर्शियल हो प्राइवेट हो, तो हर एक तरीके के व्हीकल के लिए फास्टैग ज़रूरी हो गया है। रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड हमारे इंडिया का एक मास्टर कार्ड है जिसमें कि आप पेमेंट कर सकते हो। UPI है, जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। AEPS है, और रियल टाइम ये बेसिस पे आपको देखने को मिलता है। तो पाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस आप समझ सकते हो कि जो एलेक्सा है, आपकी सीरी है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट मीन्स कि बस हमारे जैसा, जो ह्यूमन बींग के जैसा जब मशीन काम करने लगे, जैसे आप हमारे से कुछ भी क्वेश्चन करो तो हम आंसर करते हैं, वैसे आप मशीन से क्वेश्चन करो तो मशीन आंसर करती है, तो बस वही चीज़ हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको डेवलप किया गया है बेंगलुरु के स्टार्टअप, जो कि यहाँ पे को रोवर प्राइवेट लिमिटेड है। NPCI की बात करूँ तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। इसका इनिशिएटिव आप देख सकते हो 2007 की जो कानून है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, उसके तहत यहाँ पे RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है NPCI को। इतनी तो यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड, यहाँ पे NPCI के द्वारा डाक पे लाया गया है। तो ये क्या है, एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि IPPB है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट,
इस ऐप को यूज़ किया जा सकता है डिजिटल फिनेंशियल और असिस्टेंट बैंकिंग सर्विस के लिए, जैसे कि आप अगर अपने कंट्री में ही मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर QR कोड स्कैन करना है, कहीं पे भी आप जाते हो तो पेटीएम में जिस तरीके से आप QR कोड स्कैन करते हो, वैसे अब यहाँ पे डाक पे में भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ये जो आपको देखने को मिलता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत ये काम करते हैं। और इस बैंक में आपको देखने को मिलेगा कि 100% इंडियन गवर्नमेंट की इक्विटी रहती है, यानी कि पूरा स्टेक आपको देखने को मिलेगा 100% गवर्नमेंट का होता है, तो ये गवर्नमेंट की बैंक आप लोग कह सकते हो। इसको RBI ही गवर्न करती है और यहाँ पे पेमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है पोस्टल नेटवर्क के द्वारा, और ये हमारे कंट्री में पूरी तरीके से है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो आप देखोगे इसकी रिच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है। रुपे कार्ड है ये, आप देखोगे कि फेज़ 2 लॉन्च हुआ है भूटान में, तो रुपे कार्ड जैसे कि आप लोग मास्टर कार्ड, मास्टरियो कार्ड, वीज़ा यूज़ करते हो, तो ये सारे कार्ड हमारे कंट्री में लॉन्च नहीं हुआ है, ये बाहर के कंट्री में लॉन्च हुआ है, इसलिए इसके ट्रांजैक्शन में कई बार कॉस्ट डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट से। लेकिन रुपे कार्ड हमारे कंट्री का कार्ड है, इसको आप यूज़ करोगे तो आपका एक चीप ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, लेकिन रुपे कार्ड को हम लोग यूनिवर्सल कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसमें कि आप देखे होंगे कि जब मोदी जी विज़िट करते हैं वहाँ पे तो रुपे कार्ड को वहाँ लॉन्च करते हैं। इसका मतलब है कि आप जैसे सिंगापुर हो गया, और भी है भूटान है, आई थिंक नेपाल भी है, और भी कंट्री है, UAE है, जैसे आप अगर सिंगापुर जाते हो तो आप रुपे कार्ड अगर लेकर जाओगे तो वहाँ पर भी वो काम करेगा, आपको ज़रूरत नहीं होगा कि वहाँ की आप लोग कोई और इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करो। तो रुपे कार्ड फेज़ 2 लॉन्च हुआ है कहाँ पे, भूटान में। तो रुपे कार्ड क्या है कि यहाँ पे भूटानीज कार्ड होल्डर को अलाउ करेंगे कि वो रुपे नेटवर्क को इंडिया में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब रुपे कार्ड क्या है बेसिक समझिए, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था, ये हमारे कंट्री का कार्ड है, क्रेडिट हो गया, इंटरनेशनल प्रीपेड हो गया या कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, जिसमें कि ATM भी एक्सेप्टेंस होता है, यानी कि ATM से भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हो रुपे कार्ड को इस्तेमाल करके, या फिर आप कोई भी शॉप में जाकर POS डिवाइस से जैसे स्वैप करते हो तो स्वैप भी कर सकते हो, और ई कॉमर्स वेबसाइट में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांजैक्शन के लिए। तो इतनी सारी फैसिलिटी यहाँ पे रुपे कार्ड, जैसा कि और भी कार्ड होते हैं उस हिसाब से इसके द्वारा भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो रुपे कार्ड जो है वो मोर देन 1100 बैंक के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, रीजनल रूरल बैंक भी है, और कोऑपरेटिव बैंक भी है। इंडिया की बात करें तो रुपे कार्ड कहाँ कहाँ है, तो UAE में है, बहरीन में है, सिंगापुर में, सऊदी अरेबिया में, भूटान में, ठीक है, नेपाल में नहीं है। इतनी जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इसको यहाँ पे रुपे कार्ड लॉन्च किए। साथ ही साथ ये एक तरीके का इनिशिएटिव था जिसमें कि आप देखो कि एक नेसेसरी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है लेस कैश इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब एक बहुत बड़ी यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना होगा कि व्हाट इज़ NEFT, RTGS एंड IMPS, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए RTGS सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि पहले RTGS जब तक बैंक ओपन होते थे ना, तब तक आप RTGS के थ्रू जो है मनी को ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी कि सेंड कर सकते हो किसी को भी कहीं पे भी। अगर आपको ह्यूज ट्रांजैक्शन करनी है, बिजनेसमैन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि यहाँ पे राउंड द क्लॉक अवेबिलिटी हो गया है, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जब बैंकिंग आवर होगा सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं, 24/7 ये अवेलेबल हो चुका है। तो डिफरेंस समझना होगा कि NEFT, RTGS ये क्या होता है। ये NEFT है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, और ये आपका जो है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। तो मिनिमम आप ट्रांसफ़र वैल्यू कितना है, तो कम से कम जो है NEFT के थ्रू आप 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और RTGS का जो यहाँ पे मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख है, 2 लाख से कम जो है आप RTGS के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और IMPS में भी 1 रुपीज़ है। पेमेंट ऑप्शन क्या है, तो NEFT में आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, या तो बैंकों से जाकर कीजिए या मोबाइल से भी कीजिए, RTGS में भी ये दोनों हो चुका है, लेकिन IMPS में क्या है कि सिर्फ ऑनलाइन है, आप सिर्फ मोबाइल से ही कर सकते हो, इंटरनेट का इस्तेमाल करके कर सकते हो। मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू कितना है, तो नो लिमिट है, यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें कितनी वैल्यू आपकी लगती है, कितना मनी डिडक्ट होता है, तो नो वैल्यू है, इसमें भी नो लिमिट है। IMPS में आप देखो कि मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू कितना है, तो 2 लाख है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये जो मिनिमम आपका ट्रांसफ़र वैल्यू कहा जा रहा है, यहाँ पे भी मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू, तो ये वाली जो मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू है ना, ये ऑनलाइन के लिए है, क्योंकि आप तीनों में देख सकते हैं कि ऑनलाइन है, तो तीनों में कम से कम यहाँ पे आपका NEFT, RTGS में लिमिट नहीं है, लेकिन IMPS के थ्रू अगर आप लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू 2 लाख होना चाहिए, तो इसको इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है।
सेटलमेंट अगर टाइप देखें तो हाफ आवर बेसिस है, यानी कि आधा घंटे लग जाते हैं NEFT के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो। रियल टाइम ही है, यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तब दूसरे के अकाउंट में ये आपका चला जाएगा। और IMPS भी रियल टाइम है। सर्विस टाइमिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे NEFT जो है वॉकिंग डे में आपका सुबह 8 बजे से 7 शाम के 7 PM तक होगा। और RTGS को तो आप अवेलेबल कर दिया गया है 24/7। और IMPS क्योंकि ये ऑनलाइन है तो ये आपका 24/7 होगा, 365 डेज़। कोई भी यहाँ पे हॉलीडे वगैरह कोई भी दिन यहाँ पे नहीं माना जाएगा, लेकिन NEFT अभी भी वर्किंग डे में ही रहता है और सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है। इनवॉट ट्रांजेक्शन चार्जेस देखें, यानी कि जब आप किसी को भेजते हो तो उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। तो किसी में भी आप देखो कि यहाँ पे NEFT RTGS में तो कोई चार्ज नहीं लगते, लेकिन IMPS में जो है ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में हर एक बैंक का अलग अलग उनका सिस्टम होता है, तो हर एक बैंक का अलग अलग होता है तो वो डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टाइम टू टाइम आप देखते रहोगे तो डिफरेंस जो है आसानी से याद हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। फंड से रिलेटेड जो भी टॉपिक होती है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी नया फंड बनता है या कोई एग्जिस्टिंग फंड भी है तो उससे UPSC बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस फंड को भी देख लेते हैं। RBI के द्वारा जो है ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब ये किस तरीके का फंड है, तो देखिए ये पेमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप करना है उसके लिए फंड क्रिएट किया गया है। इट मींस कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा तो उसमें जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ से जो है पैसे लिया जा सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बातें की जा रही है। 500 करोड़ जो है यहाँ पर ज़रूरत है जिससे कि हम लोग POS इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय कर सके। अगर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो स्वैपिंग मशीन होती है जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल को ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों तक पहुँचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका रिच बढ़ाना है, जिससे कि आप अगर कार्ड लेके घूम रहे हो और उसको ATM से मनी विड्रॉ नहीं करें लेकिन आप चाहते हैं कि जहाँ भी दुकान में जाओ आप कुछ भी केले वगैरह खरीदो तो तुरंत आप उससे जो है ट्रांजेक्शन कर सको, ठीक है, कार्ड को स्वैप करके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाने के लिए और इस तरीके का पेमेंट को और ज़्यादा मतलब कि इन्हेंस करने के लिए हमें इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो RBI के द्वारा यहाँ पे इनिशियल कंट्रीब्यूशन रखा गया है इस फंड में 250 करोड़, और हाफ़ ऑफ द फंड को ये कवर करते हैं RBI, और 500 करोड़ का ये कॉर्पस रखा गया कि टोटल यहाँ पे 500 करोड़ होगा, लेकिन हाफ जो मनी है वो RBI के द्वारा दिया गया है। रिमेनिंग जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हाफ ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कार्ड इशूइंग बैंक के द्वारा, कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग के द्वारा हमारा यहाँ पे रिसीव होगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे रिकरिंग कंट्रीब्यूशन है, यानी कि बार बार अगर किसी को देना है, जब कार्ड इशू कराते हैं तो उस समय जो आपसे पैसे लिए जाते हैं तो वो जो पैसे लिए जाते हैं ना वो कहाँ चार्ज हो जाता है, इस फंड में जाकर वो चार्ज हो जाता है। तो और कार्ड नेटवर्क जब यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी कार्ड नेटवर्क, जैसे आप लोग फ्रीली कहीं पे भी इंडिया में जाते हो तो रुपे कार्ड को इस्तेमाल कर पाते हो या फिर और भी कार्ड को, तो वो जो कार्ड नेटवर्क आपको मिलता है वो जो कंपनी है उसके द्वारा भी जो है आपको हर एक कार्ड पर जब वो इशू करते हैं नेटवर्क तो उससे भी जो चार्ज वो कुछ देते हैं किसमें, तो इस फंड में। RBI भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करते रहेगी जब भी यहाँ पर कमी होते रहेगा, शॉर्टफॉल होते रहेगा। तो इस फंड की अगर बात करें तो इसको एक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जाएगा और यहाँ पे RBI के द्वारा इसको मैनेज और एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये फंड बनाई जा रही है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो RBI ही इसको देखते रहेगी। इस तरीके से आप याद रखिए, क्योंकि हाफ ऑफ द फंड जो है RBI के द्वारा दिया जा रहा है तो मैनेज और कंट्रोल कौन करेगा, RBI करेंगे। साथ ही साथ इस तरीके के फंड को सेटअप करने से यहाँ पे रिकमेंडेशन किसका दिया गया था, तो देखिए इस तरीके का कुछ न्यू काम जब भी आप इकोनॉमी में देखते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कमेटी का हाथ ज़रूर रहता है। तो कुछ भी अगर नया आता है मार्केट में तो उसके पीछे कमेटी का नाम रहता है। तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो कमेटी के द्वारा सजेशन दिया गया था उसे हम लोग नंदन निलेकानी कमेटी कहते हैं। लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो RBI के द्वारा अनाउंस किया गया था कि एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जिससे कि लास्ट माइल जो पेमेंट नेटवर्क है ग्रामीण क्षेत्र तक वो यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। इट मीन्स कि लास्ट माइल आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र तक नेटवर्क की कमी होती है और लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता है, तो पहले तो ध्यान देना है कि फिनेंशियल इंक्लूजन हो। इट मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों के पास जो है बैंक अकाउंट हो, साथ ही फिनेंशियल लिटरेसी हो कि लोग जो है उस ऑपरेट करना समझ सके कि मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट कैसे करना है, और साथ ही साथ वहाँ तक जो है ना एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड प्रोवाइड किया जाए, यानी कि वहाँ पर भी POS मशीन हो जिस या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो लोग ग्रामीण
क्षेत्र के भी जो एकदम कोने से कोने जगह पे भी रह रहे, तो उनको ये नेटवर्क प्रोवाइड करना है और पेमेंट वो बेटर तरीके से कर सके। तो ये लास्ट ईयर जो है ये भी एक तरीके का फंड बनाया गया था, ये भी RBI के द्वारा ही बनाया गया था कि एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट है, यानी कि वहाँ पे भी कार्ड के द्वारा अगर वो पेमेंट कर रहे हैं या फिर UPI के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे भी कर रहे हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए फ़ंड बनाया गया था। इससे पहले यहाँ पे POS मशीन के बारे में दिया गया, इसके बारे में बेसिक समझिए, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। यहाँ पे कैश विड्रॉवल का जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि आपके हाथ में कैश नहीं आता है बट आप पे कर सकते हो जहाँ पे भी आप चाह रहे हो, कुछ परचेज़ कर रहे हो, अपना डेबिट कार्ड या फिर ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड जो भी बैंक के द्वारा इशू किया जाता है उसके थ्रू आप यहाँ पे पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड जो है ना उसको इस फैसिलिटी के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता, ये चीज़ ध्यान रखिए। इट इज़ ओनली फॉर डेबिट कार्ड और कोई भी ओपन सिस्टम जो प्रीपेड कार्ड होता है, पहले पे कीजिए फिर उसके बाद, तो उस तरीके के कार्ड को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड आपका POS मशीन में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। कैश कैन ऑल्सो बी विदड्रॉन एट POS टर्मिनल थ्रू UPI के थ्रू भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है उससे जो भी लिंक्ड है ना उसका आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को यूज़ करके या फिर यूनिफाइड UPI को यूज़ करके जो है आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना है तो उसके तहत ही ये इस्तेमाल हो सकता है UPI और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो लाया गया था इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था फिनेंशियल इंक्लूजन, इट मीन्स कि जीरो बैलेंस में हर एक पर्सन का अकाउंट ओपन किया जा रहा था और इसके तहत ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल रहा और इसके तहत कई करोड़ों लोग का जो है अकाउंट ओपन किया गया है और कई करोड़ लोग को जो है बैंक अकाउंट से ओपन मतलब जोड़ा भी गया है। तो इसलिए ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब आइए देख लेते हैं एक्चुअली ये फ़ंड का स्कीम कैसा है। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड की बात करूँ तो इसका मेन एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारे Tier 3 से लेकर Tier 6 सेंटर, जो कि स्पेशल फोकस होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहने का मतलब क्या क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ठीक है, ये हो गया 6 स्टेट, 7 स्टेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। साथ ही स्कीम्स जो है वो यहाँ पे मेनली टारगेट करेंगे मर्चेंट प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया या फिर गवर्नमेंट पेमेंट करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, किराना स्टोर में आप जाते हो, कहीं पे भी जाते हो अगर आपको पेमेंट करना है, हाथ में पैसे नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फंड है इससे क्या होगा, ये बैंकों को सब्सिडाइज़ करेगा, नॉन बैंकों को भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सके। पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्टिंग कार्ड पेमेंट है इसमें कौन कौन से होंगे, तो पहला तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, उसके बाद जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है और जिसको GPRS भी कहते हैं, GPRS के थ्रू भी आप लोग जो है इंटरनेट यूज़ करते हो, इसी के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तभी आप लोग जो है यूज़ करते हो। क्विक रिस्पॉन्स है, QR कोड बेस्ड भी पेमेंट आप कर सकते हो, तो ये सारे पेमेंट कर सकते हो जो कि इस फंड स्कीम में रखा गया है। अब यहाँ पे आप देखो कि इस स्कीम का की फीचर क्या है, तो सबसे पहले है कि ये एडवाइजरी काउंसिल जिसको कि RBI के डिप्टी गवर्नर चेयर करेंगे उनके द्वारा ये मैनेज किया जाएगा, ऑपरेशनल होगा 2 साल के लिए, फिर मैक्सिमम इसको अगेन 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। फिर उसके बाद इसका एम है कि 30 लाख न्यू डिजिटल पेमेंट टच पॉइंट को हर एक साल यहाँ पे बनाना है, क्रिएट करना है और फंड में जो कॉर्पस रखा गया है वो 345 करोड़ है जो कि 250 करोड़ यहाँ पे RBI के द्वारा है और 95 करोड़ जो है ये ऑथराइज कार्ड नेटवर्क के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो टोटल फंड कॉर्पस भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें आपका इस फंड में कितना है 345 करोड़ है और इससे पहले जो हम लोग फंड देख रहे थे उसमें 500 करोड़ था। ओके, अब आगे आते हैं अदर रिकमेंडेशन जो भी कमेटी का दिया गया है कि कैसे हमारे यहाँ जो डिजिटल पेमेंट है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो नंदन नीलिकानी है जो कि यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव करना और वो भी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से, और GST को भी छोड़ देना वो भी इमीडिएट पेमेंट सर्विस में, जैसे कि अगर ट्रांजैक्शन चार्ज आपका 5000 है तो उसमें इस तरीके का इमीडिएट पेमेंट GST नहीं लगाना, POS मशीन से जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव करना। तो ये मतलब कि ये जो आप हम लोग दूसरे कंट्री से इसको जब इम्पोर्ट कराते हैं तो इसके ऊपर इम्पोर्ट लगता है ना, तो इसकी प्राइस थोड़ी हाई हो जाती है, फिर उसके बाद जितने भी दुकान वाले होते हैं वो इसको परचेज़ करने के लिए उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाते, तो इसमें इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब ये हमारे मार्केट में सस्ता अवेलेबल होगा, तब सारे जितने भी दुकानदार है इसको खरीद पाएंगे और साथ ही साथ
यहाँ पे जीएसटी भी नहीं लगाना है। सेकंड, इनके द्वारा कहा गया था कि गवर्नमेंट की जो पेमेंट है वो यहाँ पे डिजिटल मीन के ही थ्रू होना चाहिए। जब सरकार जिस चीज़ को करते हैं तो उसके पीछे पीछे सारे लोग भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अभी वैक्सीनेशन में आप देखो कि पीएम मोदी जी जब वैक्सीनेशन ले लिए तब इसमें कोई भी तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं ले रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, प्रेसिडेंट को लेना चाहिए, तो बहुत सारे अदर मिनिस्टर्स भी वैक्सीनेशन लिए। तो इससे क्या होता है ना कि जब हमारे सरकार करते हैं तो लोग भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो काम करते हैं और ट्रस्ट एक बढ़ता है। साथ ही यहाँ पे वैलिडेशन सर्विस को भी यूज़ करना है, जैसे कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिससे कि जो हमारा ट्रांजेक्शन फेलियर है ना इसकी इंसिडेंस कम हो पाएगी। साथ ही डेडिकेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए, अगर किसी तरीके की परेशानी है तो लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रख सके। डिजिटल पेमेंट सब कम्युनिटी भी यहाँ पे सेटअप किया जाना चाहिए, वो भी स्टेट लेवल में, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेटर तरीके से मैप कर सके, जो भी गैप है उसको देख सके। और RBI जो है एक अच्छा खासा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को भी ये डेवलप करते, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया को कंपेयर करे कि हर एक एरिया में डिजिटल पेमेंट किस हिसाब से हो रहा है, कितना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है कि नहीं, यानी कि लोगों के पास बैंक अकाउंट है या नहीं, या फिर बैंक अकाउंट भी है तो क्या वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस इंडेक्स में भी देखा जाता है। तो ये पूरी बातें रही इस फंड के बारे में, एक एक छोटी छोटी पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करते रहिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं बायलैटरल नेटिंग। तो बायलैटरल नेटिंग होता क्या है पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं। रिसेंटली बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020 को यहाँ पे लाया गया, जिसका एम है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पे इंश्योर करना है और साथ ही साथ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कॉम्पिटिशन भी होनी चाहिए, इस चीज़ को बढ़ावा देना है। अब बायलेटरल नेटिंग के बारे में आप समझिए कि दो बायलेटरल मीन्स दोनों के बीच में यहाँ पे नेटिंग होगा। AO's 25,000, ठीक है, ये जो है A ने B को 25,000 दिया और B ने A को 1,00,000 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो फिर क्या हो गया कि B ने A को फिर 75,000 दिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये एक तरीके का आपका लेन देन हो रहा है A और B के बीच में। लेकिन देखते हैं बातें क्या की जा रही है। बायलैटरल नेटिंग की बात करें तो एक तरीके का अग्रीमेंट होता है जिसमें कि दो काउंटर पार्टीज़ जो है वो फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और अपने क्लेम्स को सेटल करते हैं एक दूसरे के साथ ही, यानी कि आपस में ही अगर ये दोनों एक दूसरे का जो क्लेम है और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर अगर वो आपस में ही इसको सेटलमेंट कर लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल नेटिंग। नेटिंग कहने का मतलब कि ऑफसेट करना सारे क्लेम्स को, अगर कोई क्लेम है किसी भी तरीके का डील किया गया है दो पार्टीज़ के बीच में तो उसको एकदम से सही करना, उसको बिल्कुल भी डिस्प्यूट फ्री करना, तो वो चीज़ें यहाँ पे नेटिंग कहलाता है। इसी के साथ साथ मल्टीलैटरल अगर नेटिंग हम लोग एग्रीमेंट देखें तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ और बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ पर अलाओगे, मोर देन टू पार्टीज़ यहाँ पर अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले क्या था कि इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉ था जो कि इस तरीके के बायलैटरल नेटिंग को परमिट नहीं करते थे, बट अब यहाँ पे अलाउ किया गया। लेकिन हाँ, जो हमारे यहाँ इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पे मल्टीलैटरल नेटिंग को अलाउ करते थे लेकिन बायलैटरल नेटिंग को अलाउ नहीं करते थे। इंडिया में जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो 40% आपको टोटल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का देखने को मिलेगा और मल्टीलैटरल कितना है तो 60%। इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो इस तरीके का दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो भी क्लेम को सेटल किया जाता है वो ज़्यादातर यहाँ पे मल्टीलैटरल है, ना कि यहाँ पे आपका बायलैटरल। तो नेटिंग काफ़ी कॉमन हो गया है एडवांस इकॉनमी में, हम लोग तो बहुत बाद में इसको अपने कंट्री में लाए हैं, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत सारी जो एडवांस इकॉनमी वाली कंट्री है जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, इवन मलेशिया भी इस तरीके के प्रोविज़न को अपनाते हैं। ग्लोबल रेगुलेटरीज जो बड़ी है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, बेसल कमेटी है बैंकिंग सुपरविजन में, तो वो भी इस तरीके के नेटिंग के प्रोविज़न को काफ़ी हद तक जो है प्रमोट करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है, जब आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज़ जो है इस तरीके की प्रोविज़न को इस्तेमाल करते तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। सबसे पहले क्या है ना कि इससे जब रिस्क कम होता है, जब दो लोग आपस में ही लेन देन कर लेते हैं और अपना जो सेटलमेंट है उसको, जो भी क्लेम है उसको सेटलमेंट कर लेते हैं तो बैंकों का जो बर्डन है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रिस्क कम हो जाता है। इससे जो हेजिंग कॉस्ट है और जो लिक्विडिटी की ज़रूरत है वो यहाँ पे कम हो जाती है, यानी कि अगर एक लोगों को मुझे कुछ ज़रूरत है तो मैं सामने वाले से पैसे ले लूँ, उनको जब ज़रूरत होगा तो मैं उनको पैसे दे दूँ, और जितना भी बचा है क्लेम अगर करूँ कि आपने ज़्यादा लिया मुझे कम दिया तो उस चीज़ को मैं ही आपस में सेटलमेंट कर लूँ, तो ये चीज़ें सही होती है। साथ ही साथ इस्टेब्लिश किया जाता है एक एफिशिएंट रिकवरी मैकेनिज्म है, इट मीन्स कि सामने वाले से आप आराम से जो है रिकवर कर सकते हो। लेकिन बैंक में जब लोन लेने आते हैं लोग तो बैंक किसके किसके पीछे भागेगा, है कि नहीं, आप देखते ही हो कि बहुत परेशानी होती है जब बैंकों से लोन लिया जाता है और लोग लोन को वापस रीपेमेंट नहीं करते। तो लेकिन आपस में जब दो लोग यहाँ पे सलाह मशवरा करके जब फाइनेंशियल
अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बेटर तरीके से वो लोग रिजॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये इसका फ़ायदा बहुत है, इसलिए ये चीज़ें बहुत चलती है। अब बायलैटरल नेटिंग अगर हम लोग क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020 का देखें, तो इसमें क्या है कि एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है वो भी बायलैटरल नेटिंग के लिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इस कानून में क्या है कि कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या ट्रांजैक्शन हो, उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पे देखी जाती है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, और जो भी यहाँ पे फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। नेट अमाउंट पेएबल भी देखा जाता है कि कितना एक दूसरे के बीच में नेट अमाउंट पेएबल हो रहा है, और कुछ सर्टेन लिमिटेशन भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी रेगुलेटरीज बॉडीज़ आप देख सकते हो, PFRDA है, IFSC है, ये IRDA है, और साथ ही साथ RBI है और SEBI है। फाइन, इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझिए कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स होता क्या है, ये एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है जिसमें कि आप देखो कि प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ये डिपेंड होता है जो भी प्राइस जो एसेट के अंदर है, यानी कि एसेट के अंदर जो भी प्राइस लिखा गया, मान लीजिए 100 रुपया है, तो इसमें सिक्योरिटी कितना है, ये सिक्योरिटी डिपेंड करेगा जितना भी इसका प्राइस है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स। और साथ ही साथ कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, जैसे ऑप्शन हो गया, फ्यूचर हो गया, फॉरवर्ड हो गया, वारंट हो गया, ये सब अलग अलग बहुत ही बड़े बड़े टर्म हैं, तो इसको समझाऊंगी कभी। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होगा, जैसे बायलैटरल नेगोशिएशन हो गया, तो ये किसी इंटरमीडियरीज के बिना अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको ये जो है डेरिवेटिव्स को लेकर ये शॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसी के जैसे ये क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि यहाँ पे ज़रूर दो लोग इंक्लूड होंगे, तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि दो क्वालिफाइड फिनेंशियल मार्केट है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, और एटलीस्ट एक पार्टी जो है ना वो एंटिटी है जिसमें कि आपका अथॉरिटी के द्वारा ही इसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ें होती है क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे आप लोग का दो पार्टी है, तो दो पार्टी के बीच में जो भी यहाँ पे फिनेंशियल मार्केट में जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन दोनों पार्टी के बीच में एक पार्टी जो है एटलीस्ट ये किसी अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाने वाला हो, जैसे कि ये SEBI वाला हो या फिर RBI से के थ्रू ये रेगुलेट किया हुआ बॉडी हो, जैसे कोई बैंक हो, तो उसके साथ अगर आप यहाँ पे जाते हो तो उसको क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि बिल्कुल एकदम सही क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड कौन होगा, जब उसको कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर उसको कहेगी कि हाँ आप जाइए, RBI के द्वारा अगर कोई बैंक आता है, बैंक से आप जब लोन लेते हो, तो इट मीन्स कि आप क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, इट मीन्स कि एकदम से वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी किसी भी तरीके से धूमिल नहीं हो सकता, मतलब कि फ्रॉड नहीं हो सकता, है कि नहीं, आपका एकदम रिपोर्ट रहेगा कि आपने किस डेट में किस पर्पज़ से कब लोन लिया और आपका वो लोन कब मैच्योर हो रहा है, कब आपको रीपेमेंट करना है, तो सारी चीज़ें क्लियर रहती है, शॉर्ट आउट रहती है। फाइन, तो इस तरीके से समझिएगा, इसी को कहते हैं क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो कि है इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा एक फ्रेमवर्क रिलीज़ किया गया कि कैसे हमारे यहाँ जो फिनटेक सॉल्यूशन है, यानी कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे आपका आज के डेट में फिनटेक कंपनीज चल रही है ना, जिसे फिनटेक सॉल्यूशन, फिनटेक हब कहते हैं, तो उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए उसके लिए रूल्स और गाइडलाइंस लाया गया है। तो हमारे यहाँ जो वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब ये एक सेटअप किया गया है, और कहाँ पे है वो, तो इसकी लोकेशन है गांधीनगर में। ठीक है, तो ये आपका जो सेटअप किया गया है इसको ध्यान रखना है। मेन इसका जो एम है वो ये है कि इनक्रेज करना है कि फिनटेक इनिशिएटिव को किस तरीके से प्रमोट करें फिनेंशियल प्रोडक्ट में और फिनेंशियल सर्विस में। जैसे कि आप देखो कि बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस है, सिक्योरिटीज़ है, फंड मैनेजमेंट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आपका फिनेंशियल सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसमें कैसे हम लोग फिनटेक इनिशिएटिव को प्रमोट कर सकें। अब इंडिया की जो फिनटेक इंडस्ट्री है इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, एक तो है कि आज के डेट में आपके पास पेमेंट मोड है कि किस किस तरीके से आप पेमेंट करते हो, और दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन जो फिनेंशियल प्रोडक्ट है वो क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। तो पेमेंट आप कैसे कैसे करते हो, तो एक तो होता है कि पेमेंट बैंक, जो कि आप पेटीएम वगैरह कभी, एयरटेल वगैरह कभी आप लोग यूज़ करते हो। सेकंड होता है मोबाइल वैलेट, यानी कि जैसे आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हो जिसमें कि आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो एक वैलेट होता है, उसमें भी आप कुछ मनी अपने अकाउंट से लेकर सेव कर सकते हो। थर्ड होता है पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे आपका ओपन होता है जब आप किसी भी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जब आप अपना पूरा डिटेल्स कार्ड का डालते हो या फिर अपनी पासवर्ड और ID डालते हो, तो उसके बाद जो आपका पेज ओपन होता है जिसमें OTP आपको डालना होता है या फिर अपना पिन डालना होता है, तो वो पेमेंट गेटवे होता है जिसके थ्रू इस तरीके से आप पेमेंट करते हो, तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ATM देखने को मिलेगा, और अगर आप मार्केट जाते हो, दुकान जाते हो और वहाँ पे आपके हाथ में अगर पैसे नहीं होते हैं और सिर्फ कार्ड है, तो POS मशीन के द्वारा आप स्वैप करके वहाँ से मनी जो है
दे सकते हो। तो इतना आपके पास पेमेंट मोड है आज के डेट में, जो कि किसके द्वारा आपको दिया जाता है। तो ये पूरा एक बड़ा सा इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री है जिसके द्वारा इतनी मोड्स ऑफ पेमेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ आप देखो कि ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको क्या क्या दिया जा रहा है। तो सबसे पहले है कि लेंडिंग है, ऑनलाइन आज के डेट में आप लेंड कर सकते हो। इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, म्यूचुअल फंड जो है आज के डेट में आप ऑनलाइन, बहुत सारे ऐप्स भी आपको देखने को मिलते हैं, या फिर और भी ऐसे इंश्योरेंस है जो कि LIC वगैरह और भी इंश्योरेंस है जो कि आपको मिल जाते हैं। ENPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, ऑनलाइन आपको नेशनल पेंशन सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। म्यूचुअल फंड और बैंकिंग है, तो ये ब्रोकिंग है सॉरी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आपको दिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं फिनटेक टेक इंडस्ट्री। तो ये आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके डायरेक्शन में क्या है कि एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यहाँ पे लाया गया, जिसके तहत जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन है कि कैसे ये सारे इंडस्ट्री को लेकर चलना है, वो यहाँ पे बातें रखी गई हैं। सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत अगर हम लोग देखें तो कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करना, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, इन सबको कुछ सर्टेन फैसिलिटीज़ ग्रांट किया गया है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई है, और वो भी कैसा, तो एक्सपेरिमेंट करके, जैसे इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशन के साथ। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो यहाँ पे कहा गया है, ये इसका कहने का मतलब है कि लाइव टेस्टिंग किया जाएगा न्यू प्रोडक्ट का। जैसे कुछ न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि और भी ATM के जैसा ही कोई और मशीन लाया जा रहा है, तो उसको भी जो यहाँ पे आपका टेस्ट किया जाएगा कि हाँ इस तरीके की मशीन जो है कैसे काम करेगी, सही तरीके से काम करेगी कि नहीं, लोगों को इसके बारे में समझ में आएगा कि नहीं। तो ये सारा काम किसके अंदर होता है? एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी सर्विस होंगे वो एक सही तरीके से होंगे, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में होंगे, कंट्रोल्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में होंगे, जो कि यहाँ पे कुछ सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशन को परमिट करेंगे, वो भी लिमिटेड पर्पस ऑफ टेस्टिंग के साथ। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा, जिसको कि हम लोग रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कह रहे हैं। तो मेनली जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो भी पेमेंट को लेकर, तो उसको यहाँ पे किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा, वो सारी काम यहाँ पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में किया जाएगा। फाइन, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है रिट्स और यहाँ पे इन्विट्स के लिए, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो भी IFSC में। तो रिट्स और इन्वेस्ट अगर हम लोग देखें तो ये रजिस्टर्ड किया गया है IFSC के अंदर, जिसको कि परमिट किया गया है कि वो रियल इस्टेट एसेट में इन्वेस्ट करें, यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह होता है उन सब में रियल इस्टेट में वो इन्वेस्ट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ जो परमिशन दिया गया है ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स को रिट्स में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ ये कंप्लाइन करते हैं। फिनेक्शन एक्शन टास्क फोर्स एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को, जो ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, इन दो चीज़ों को यहाँ पे टैकल किया जाता है FATF में। अभी आपको बताना है कि FATF की कैटेगरी होती है, एक ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है। तो एक कंट्री का नाम बताइए जो कि ग्रे लिस्ट में है, और दो कंट्री का नाम बताइए जो कि ब्लैक लिस्ट में है। फाइन, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे इन्विट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो, और ये भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, साथ ही कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा भी यहाँ पे अलाउ किया जाता है। रिट्स की बात करें तो यहाँ पे लिस्टेड एंटिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे ओन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैनेज भी कर सकते हैं, जिस तरीके का उनका जो है इनकम जनरेट हो रहा है, या फिर इनकम को जनरेट करने के लिए ही वो इस तरीके का काम कर सकते हैं रिट्स में। रियल इस्टेट में क्या होता है, मेनली आप लोग देखते हो कि यहाँ पे ह्यूज मनी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, और पैसे भी यहाँ पे जो है लोगों के बहुत बनते हैं। रिट्स और इन्विट की बात करें तो मेनली ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, जिसे हम लोग सेबी कहते हैं, तो मेनली ये उसी को रेगुलेट करती है, उनके द्वारा यहाँ पे रियल इस्टेट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इन दोनों को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जहाँ पे हम लोग ने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में। अब चलते आगे, देखते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड है क्या? रिसेंटली म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको इशू किया गया है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। म्यूनिसिपल बॉन्ड होता क्या है? एक्चुअली ये डेट सिक्योरिटी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इसको इशू करते हैं, जब भी वो उनको लगता है कि उनको किसी सिविक प्रोजेक्ट में अगर फंड करना है, फंड की ज़रूरत है, तब वो इसको इशू करते हैं। और जब पैसे की कमी होती है सरकार के पास, तो सरकार क्या करती है ना कि बॉन्ड वगैरह इशू करती है, जिसको आप लोग परचेज करोगे तो पैसे दोगे तो सरकार के पास पैसे आएगा। तो बस ये सारा डिफरेंट फील्ड का जो है ये आपको बॉन्ड देखने को मिलता है। नॉर्मली ये इशू और रिडीम किया जाता है, जितना भी यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में जब आप इसको परचेज करते हो तो उसी हिसाब से इसको इशू करोगे आप, और बाद में जब इसमें पेमेंट करना होगा तो उसी हिसाब से आप पेमेंट करोगे जितने में आपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखा था। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है इसमें, आपका फ्लोटिंग नहीं रहता है। दो तरीके का मेनली म्यूनिसिपल बॉन्ड है,
एक तो है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड और दूसरा है रेवेन्यू बॉन्ड। तो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड अगर हम लोग देखें तो ये इशू किया जाता है सिविक एमिनिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, जैसे कि पानी हो गया, सैनिटेशन हो गया, गार्बेज हो गया, डिस्पोजल हो गया, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है इसको इन्हांस करने के लिए इशू किया जाता है। तो जैसे पानी की जो उपलब्ध पानी की अवेलेबिलिटी करानी है, कहीं ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाना है, तो इस ये आपका टॉपिक आ सकता है। सैनिटेशन है, साफ़ सफाई की अगर बातें, जैसे गार्बेज है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को वेट वेस्ट को आज के डेट में जो मैनेज करने की बात की जा रही है, तो वो भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड के अंदर आता है। और जो रेवेन्यू बॉन्ड होता है ये आपका एक कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कि टॉल रोड के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूट करना है, या फिर टॉल ब्रिज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो जैसे कि रेवेन्यू जनरेट करना है, इस तरीके का बॉन्ड लेकर, रेवेन्यू बॉन्ड लेकर क्या करना है कि जब यहाँ से पैसे आएंगे तो उसको कहाँ लेकर लगाना है, टॉल रोड में, या फिर कोई ब्रिज बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे उसको बनाने के लिए खर्चे करने हैं। तो मेनली दो तरीके का म्युनिसिपल बॉन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो बैंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो था ये पहली बार अर्बन लोकल बॉडीज़ है जिसके द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड को इंडिया में 1997 में इशू किया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर बॉन्ड पहली बार कहीं से भी इशू होता है ना, तो वो क्वेश्चंस कभी ना कभी आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा। अब देखते हैं कि सेबी की क्या गाइडलाइन है म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर। जैसे कि सेबी रेगुलेशन के द्वारा 2015 में कहा गया था कि एक म्युनिसिपैलिटी या फिर कॉर्पोरेट म्युनिसिपल एंटिटीज़ जो है वो यहाँ पे म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू करेंगे तो उनको कुछ यहाँ पे कंडीशन को फॉलो करना होगा। बॉन्ड इशू एवे ही नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो कंडीशन है जिनको उनको फॉलो करना होगा। तो उसमें क्या है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना उनको यहाँ पे नेगेटिव नेट वर्थ नहीं होना चाहिए किसी भी 3 इमीडिएट प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर में, यानी कि 3 फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो 3 फिनेंशियल ईयर में उनका जो नेट वर्थ है ना वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कि डेट में नहीं होना चाहिए, तभी वो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है इस तरीके की म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। नॉन डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, यानी कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उन वो जो है ना वो डिफ़ॉल्टेड नहीं होना चाहिए डेट सिक्योरिटीज़ को रीपे करना या फिर लोन को रीपे करना, जो भी बैंकों से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये आपका ऑब्टेन किया गया है लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। थर्ड है कि म्युनिसिपैलिटीज़ को यहाँ पे ज़रूरत है कि एटलीस्ट वो 20% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ना उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करे। तो ये 3 कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, और भी है तो देख लेते हैं। फोर्थ वन है कि नो विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर कहने का मतलब है कि जानबूझकर आप जो है उस लोन को रिपे नहीं कर रहे या फिर आप पेमेंट नहीं कर रहे। तो जो कॉर्पोरेट म्युनिसिपल एंटिटीज़ हैं या फिर प्रमोटर है कोई या फिर ग्रुप कंपनी है या फिर डायरेक्टर है, उनका नाम जो है ना विलफुल डिफॉल्टर में नहीं लिस्ट होना चाहिए। जो भी एक लिस्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो वो आरबीआई बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि विलफुल डिफॉल्टर के अंदर आते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माल्या, विजय माल्या, आप जानते हो कि वो विलफुल डिफॉल्टर है। वो 9000 करोड़ कितने तो 9000 करोड़ जो है वो IDBI बैंकों का लेके भाग गए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो इसको चुका नहीं सकते, रीपेमेंट नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन वो विलफुल डिफ़ॉल्ट हो गए, वो चाह के जो है बैंकों का पैसा वापस बैंकों को नहीं कर रहे। तो एक जो RBI लिस्ट प्रोड्यूस करती है उस लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल बॉन्ड जो है ये मैंडेटरी रेटिंग है जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ऊपर ही होना चाहिए जब वो पब्लिक इशू करे तो, या फिर पब्लिक इशू के लिए जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो ये चार पांच कंडीशन है जो कि यहाँ पे ज़रूरी है, और ये सेबी की गाइडलाइन दी जाती है म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, एक सेकेंड, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड है और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि समझना है, तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। तो ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं ना छोटे छोटे और इस तरीके से जो दिया गया है ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। UPSC घुमा घुमा के एक ही स्टेटमेंट को जो रियल है उसी को घुमा घुमा के वो इस तरीके से पूछती है कि आप लोग भी घूम जाते हो, लेकिन अगर ये सारे पॉइंट्स और स्टेटमेंट आपको याद रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, और जितने भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसकी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। और अगर आप लोग को विजन आइस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी पे मेल करना होगा, जो कि ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही हमारा अल्टरनेटिव चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इन केस कि अगर कोई तरीके का हैक हो जाए या फिर कुछ और जो अनफॉर्सिन अनएक्सपेक्टेड अगर कोई
सिचुएशन अराइज हो जाए तो उस समय हम लोग जो है कॉन्टैक्ट में रहे, ठीक है। तो एक ऑल्टरनेटिव चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मान लीजिए कि ये चैनल अगर बंद भी हो जाता है तो ये सारे वीडियोस आपको विद इन 2 डेज़ मैं उस चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपकी एट एनी कॉस्ट कहीं से भी आपकी जो प्रिपरेशन है, रिविजन है, वो नहीं रुकेगी। डेली बेसिस पर यहाँ पर वीडियो आती है तो एट एनी कॉस्ट आपको मिलेगी ही। तो मिलते हैं कल इसी तरीके से 4 बजे, तब के लिए थैंक यू।